अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज जो है एक बड़े मज़े की चीज़ जो है बनने वाली है और गाँव के स्टाइल से, सो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हमारा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अम्मी की तरफ जो है होम गार्डन है, सो वहाँ पे उन्होंने एक चूल्हा सा बनाया हुआ है, जो मड किचन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि मतलब एक पुरानी जो चीज़ें होती है ना उसको याद रखा जाए। सो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना कोई खास नहीं बना हुआ, सिर्फ चूल्हा बना हुआ है और उसमें आज ये बनाने लगे हैं चिकन, और अम्मी बनाने लगी हैं चिकन। सो वो मैं आप लोगों के साथ जो है अभी शेयर करूँगी। और अभी जो है चीज़ें वगैरह उन्होंने कट की हैं और मैंने उनको टमाटर काट के दिए हैं, और अभी जो है उधर जाते हैं। वहाँ पे ये है कि लाइट अभी नहीं लगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपने जो है एंड तक वीडियो देखनी है, बड़े मज़े की होने वाली है। सो गांव के स्टाइल का जो है आज आपको शहर में मिलेगा, कैसे बनाती, क्योंकि वही बनाएंगी। इस तरह होता है कि धुआं बीच में चला जाए या कुछ, वो सो अम्मी ही बनाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और किचन में जाते हैं। जो चीज़ें लेके जानी है होम गार्डन में वो लेके जाते हैं। और आपने क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करते हैं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और अभी जो है टमाटर कट करते हैं और चीज़ें डालते हैं और फिर लेके जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उठा उठा के लेके जाना इज़ नॉट ईजी। सो अभी जो है सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और वो लेके जाते हैं। मम्मी जो है उधर चली गई हैं और आग जला रही हैं, तो वो भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ। अगर वहाँ पर थोड़ी सी लाइट या फ्लैश ऑन करके दिखाऊँगी। सो कट करते हैं टमाटर। ये जो चिकन है ये निकाल के रखा हुआ है और डीफ्रोस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि कनाडा में जो लोग होते हैं वो बर्फ़ को पिघलाने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये टोटका है। और ये जी टमाटर में सारा मसाला जात जो भी यूज़ होंगे वो डाल लिए हैं, और क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लेके जाना नहीं ईजी, सो मिक्स मसाला डाला है, ग्रीन मिर्चें, नमक और हल्दी। और ये सॉर्ट ऑफ जो है कुकिंग व्लॉग होगा मे बी, और मड किचन में। सो जी ये यहाँ पर बनाया हुआ है मड किचन, इस तरह का बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक देगची जो है काली ऑलरेडी रखी हुई है, और ये अम्मी कह रही थी तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम जो है रिकॉर्ड करो। और अभी जो है अम्मी बना रही है, प्याज डाल दिया है। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर मसला होता है कि धुआं ना पड़ जाए बीच में। हाँ वो फिर आपको आता है ना, इसलिए मुझे तो आता नहीं है ना। ये देखें, ये आपको गाँव का माहौल जो है शहर में मिल रहा है। वाह वाह वाह, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। प्रॉपर जो है इस तरह से ऊपर बंद किया हुआ है, क्योंकि ये अभी मतलब बाहर होम गार्डन है, सो इतना अच्छा कोई वो नहीं किया हुआ, ये बाहर से बंद किया हुआ है। इतना खास नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। एक चूल्हा बनाया हुआ है और इतनी यहाँ पे सही गर्मी गर्मी हुई हुई है, सर्दी भी नहीं लग रही। सो गाइस, यहाँ पे जो है मैं थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स ले रही थी, और दिस इज़ लाइक का मतलब देसी कल्चर। और वैसे ही मतलब एक शौकिया तौर पे हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, और वो कह रहे थे व्लॉगिंग करती हो तो यहाँ पे तुम कुछ कोई रेसिपी बनाना, क्योंकि ये होता है ना विलेज लाइफ एंड मतलब देसी माहौल बड़ा अच्छा लगता है। सो बाय द वे, ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, डेढ़ दो हफ्ते पुराना व्लॉग है, और मैं अभी अब जो हूँ अपने ससुराल आई हुई हूँ, और अब जाके जो है इसका मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी सारे व्लॉग्स के जो है वॉइस ओवर मैं करके आई थी, वो करके मैंने एडिट करके आई हुई थी और ये रहता था। सो ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और अब जो है टाइम मिला है इसको अपलोड करने का। अब जो है मैं अंदर आई हूँ पानी लेने के लिए। सो ये जी ले लिया है पानी और अब भाग के जाते हैं, और अम्मी ने स्पेशली आज जो है मेरे लिए बना रही है। हाँ बनी ग्रेवी। यहाँ पे जो है मैं अब चिकन लेने आई हूँ, और मैं आज अम्मी की हेल्पर का काम कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी बना रही हैं और वहाँ पे जो है बनाना मुझे आता नहीं है, तो चिकन लेके जाते हैं। यहाँ पे जो है रिजलान उठ गया था, और मैं जो है अम्मी की हेल्पर की वो क्या कहते हैं उसे वो कर रही हूँ। सो अभी जो है चिकन देती हूँ उन्हें, और फिर जो है आगे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि वो कैसे क्या है। मतलब सिंपल रेसिपी है, सिर्फ मतलब चेंज ये है कि आग पे बन रही है। सो चलते हैं। सो जी यहाँ पे चिकन डाल दिया था, और ये सही से डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, सो यहाँ पे मैं हिला रही थी। अम्मी जो है आई थिंक कुछ लेने गई हुई थी अंदर,
और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब एक छोटा सा वो हट टाइप बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है इस तरह का चूल्हा बनाया हुआ है और उसमें जो है सारा, क्योंकि ये हमें फ़ायदा है अम्मी की तरफ के मतलब पीछे प्लॉट है ना, तो होम गार्डन होता है, कभी सब्जियाँ लगा लेते हैं, कभी मुर्गियाँ रखी होती हैं। सो ये जी चीज़ बनाई है इन्होंने इस दफ़ा। और मतलब एक तो आप अगर लकड़ी का बनाते हैं ना खाना, तो उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि लकड़ियों पर खाने की जो एक महक शायद होती है या क्या होती है, लेकिन वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमें हिला रही थी सालन, और आपको जो है बाहर का व्यू दिखा दूँ क्योंकि मगरिब होने वाली थी। और ये जी हट है राइट साइड पे, आप लोग देख सकते हैं, और बैक साइड पे हमारा जो घर है, और ये जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के साथ जो है लगता है ये होम गार्डन। और उसके अलावा जो मेरी दादू भी बैठी हुई थी, और वो कश्मीर से आई हुई हैं, क्योंकि सर्दी थी कश्मीर में, यहाँ की सर्दियाँ जब होती हैं तो दादू यहाँ पे आ जाती हैं, दादी और पुप्पी, और जब गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पे जाती हैं, कश्मीर में रहती हैं। सो उनका मतलब ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है कश्मीर में, सो इधर जो मतलब सही होता है और यहाँ पे गर्मी होती है, तो फिर कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम होता है जून जुलाई वगैरह में, तो फिर वो वहाँ रहती हैं, क्योंकि मतलब दोनों बेटों का घर है तो इधर भी उधर भी। सो यहाँ पे जो हमारा ऑलमोस्ट जो है चिकन रेडी होने वाला था, और यहाँ पे मैं साथ में बच्चों को भी देख रही थी, हसन जो था वो अब्बू के साथ था और अजलान जो था वो सोया हुआ था, तो उन दोनों को साथ वहाँ पे नहीं रखते। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ इसमें जो है शोरबे वाला बनाना था, तो पानी डाल दिया है अभी जो है, इतना अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि चिकन की रेसिपी तो हर किसी को आती है, सिर्फ मैं मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों ने थोड़ा सा देसी माहौल दिखाऊँ। सो ये देखें आग का थोड़े थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स ले रही थी, बड़ा मज़े का कूजी कूजी सा वो लग रहा था, और बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, मतलब मुझे इस तरह के ना इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा लगता है, मतलब गांव टाइप वाला, और इस तरह मतलब इस चीज़ में ना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अम्मी बना रही थी क्योंकि पहले इन लोगों ने मतलब अम्मी लोग गाँव में रहते थे ना, तो इन लोगों ने तो मतलब इनको वो पता है आइडिया है, सो ये बना लेते हैं, लेकिन हमसे ये होता है ना कि हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये होता है धुआं लग जाता है या आग सही नहीं है या कुछ इस तरह। सो यहाँ पे जी हमारा जी खाना बन रहा है। सो ये जी हमारा चिकन जो है बन चुका था और सबने खा भी लिया था, जो बचा हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल याद ही नहीं रहा। The next day. So यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि आज जो है जाने का टाइम आ गया है, वापस अम्मी के घर से जो है वापस जा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, और यहाँ पे जो है चिकन पॉप्स या चिकन पकौड़ा कह लें या जो भी कह लें, सॉर्ट ऑफ उस तरह का बना रही हूँ। सो यहाँ पे ये है, और इसके अलावा जो है मैर को भी मैंने कहा है खाना इधर ही खाइएगा। यहाँ पे जो है नमक मिर्चें और विनेगर जो है डाल के मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब जो है और चीज़ें जो है बाद में ऐड करूँगी, ड्राई जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी रखा तो वो पानी निकल के जो है बहुत ज़्यादा पानी पानी वाला हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है चिकन बन रहा है, और पुलाव जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, दम लग चुका है इसको, और पुलाव के साथ इस तरह के चिकन बाइट, चिकन पकोड़ा या चिकन फ्राई जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, या कबाब बना ले बहुत यम्मी लगते हैं। और ये था जी आज का व्लॉग, आज का तो नहीं मतलब दो हफ्ते पहले का व्लॉग है, और मुझे आए हुए मतलब मैं अम्मी के घर हफ्ता ही रही थी, क्योंकि मंथ बाद गई थी तो एक वीक रही थी, और अब जो है कब की वापस आ चुकी हूँ, तो ये आपको वो वाले पुराने व्लॉग्स मिलेंगे और फिर न्यू मिलेंगे।